गाइस गुड मॉर्निंग, आप सभी फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। गाइस दो दिन लगातार बारिश हो रही थी और पूल में खतरनाक पानी भर गई है। हम अभी उतरे जा रहे हैं और ये छाता मत दिखिए, ये गांव वाला छाता है। और अभी मैं ब्रश कर रहा हूँ, सॉरी धुन कर रहा हूँ। सुबह सुबह घर से निकला, सीधा इधर पूल की ओर जा रहा हूँ। तो चलिए आगे पूल पे मिलते हैं सीधा। गाइस खतरनाक पानी भर गई है, पूरी कुल भर गई है और जो खेत वगैरह है सब भर चुका है। और इतना खतरनाक गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ यहाँ गांव पे कुल पे। और सब बाकी फ्लड वगैरह देख चुका हूँ और सारा खेतों पे पानी भर गया है। जो सूखा हुआ था उस पर भी और जो नहीं सूखा हुआ था वो भी। और गाइस अभी बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी करके, सुबह तो बड़ी खतरनाक दे रही थी और कल रात में भी, और अभी भी हो ही रही है थोड़ी थोड़ी। गिरा 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 बच गया। अरे यार मजाक हो रहा है। गाइस यहीं से कोयल दिख रही है पूरी भरी हुई है, कितनी खतरनाक टाइप से भर गई है। और इन सारे खेतों पे पानी भर गया है, सारे के सारे। बड़ी खतरनाक पानी भर गया है इस खेत में, पानी भर गया है। और अभी बारिश हो ही रही है। ये मेरा यार है, यार हमें दिखा रहे हैं कोई भी पानी भर गया है। और भरेगा तो और अच्छा ना। और भरने की बात चल रही है अभी फिलहाल। गाइस देख लीजिए कहाँ तक पानी चढ़ी है, यहाँ तक पूरी तरह। उस साइड भी पूरी डूब गई है, उधर भी जा चुका है पूरा पानी। और उधर भी देख लीजिए गाइस, मैंने गर्मियों का मौसम देख लिया, आम का मौसम देख लिया, सर्दियों का मौसम भी देख लिया। और गाइस आज बारिश का मौसम देख रहे हो, बड़ी खतरनाक हैवी टाइप से बारिश भरी हुई है, मतलब पानी भरा हुआ है कोयल पे। और गाइस जो लहर उठ रही है काफी खतरनाक टाइप से उठ रही है, जैसे कि अगर कोई घुसे तो सीधा निकले ही नहीं, वो अंधेरी का अंधेरी रह जाएगा। गाइस इतनी खतरनाक टाइप से पानी भर गए ना खेत पे, जो खेत पे जो फसल रखा हुआ था बोने के लिए वो भी बहकर बाहर आ चुका है खेत से। और गाइस फैल गया है पूरी तरह। मुए बुहालो ने तोके बचवाबू मुए, अबे गिरबू नहीं, अबे पिस रहे थे कौंटी उतरो। हाँ ठीक है आई, अरे पिसल रहा है बचा। सुबह से और स्लिप पे बड़ी खतरनाक टाइप से कर रही है, मैं तो चल भी नहीं पाता हूँ फिर भी चल रहा हूँ जैसे जैसे। और गाइस इधर कहा जा रही है खेतों पे मछली चढ़ी होगी तो ये देखने आया है, अगर होगी तो पकड़ेंगे, नहीं होगी तो भी नहीं पकड़ेंगे। बस क्या मछली दिख रहा है, दिखा छुट्टी। मैं पार हो रहा था और वहाँ गड्ढा तो मुझे पता ही नहीं था और मैं उसी पर घुसता चला जा रहा था, मतलब पूरी आधा मैं घुस चुका था। और फोन ऊपर के लिए बोली, फोन भी बज गया। और बाकी जो मेरे फ्रेंड थे पीछे वो उन्होंने मुझे ऊपर टान लिया, मैं अंदर चला गया था और वहाँ काफी गहरा था। और गाइस नदी तरफ हाल तो भयंकर हो रखा है,
एकदम खतरनाक, जितना कोयल में नहीं है ना पानी उससे ज्यादा नदी पे है। देखिए गाइस, सारे खेत वगैरह डूब गए हैं, जितने ऊपर ऊपर नदी के बगल में थे सारे के सारे खेत, खेतों में पानी भर गए हैं। और गाइस कतई जहर, सारा कोयल भर चुका है, नदी भर चुका है, नदी पे पता नहीं चल रही खेत कहाँ पे और नदी कहाँ है, दिखेरा नहीं है। अगर यहाँ खेत पे समझ के नदी पे पैर एक दिन गलती तो पार हो जाऊँ सीधा, पूरी खेत भर गया है गाइस, पूरा पीछे का पूरा। नदी के बगल में जितने थे जैसे कि पूरी बाढ़ आ गई है उसी तरह से। और गाइस मैं इस वक्त नदी के आखिरी छोर पे हूँ और मेरे साथ बच्चिया लोग भी है, आई है मस्ती करने। और गाइस यहाँ से काफ़ी खतरनाक सीन आ रहा है, जहाँ से तीनों नदियाँ मिलती है ना मैं वहीं पे हूँ और पूरी पूरी पानी भरा हुआ, पूरा कोयल डूबा हुआ है। रास्ता वह गलती थी, रास्ता पूरी डूब चुकी है और रास्ता पूरे नीचे तक जाती थी। और गाइस फोन की बैटरी भी डेड हो चुकी है क्योंकि लाइन नहीं थी, तो लाइन हमने चार्ज नहीं किया है और अभी से बचा है 3%, कभी भी ऑफ हो सकता है। इस वजह से हम जितना ब्लॉक कर सकते उतना कर रहे हैं। और गाइस यहाँ पे मिलती थी तीनों नदियाँ पूरी भर चुकी है, फुल हो चुकी है पूरी तरह से। इधर रास्ता हुआ करता था, रास्ता भी डूब चुका है पूरी तरह से और उधर भी देख सकते हैं किस तरह से पूरी भर गई है। फोन की बैटरी भी होने वाली है डेट, तो हम फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद जब लाइन आती है, अगर चार्ज करते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं अगर लाइन आ जाती है तो। हे गाइस, आज है दूसरा दिन और आज गाइस पानी बहुत ही कम हुई है, कल जैसा कि देखे थे हम बहुत ऊपर तक पानी चढ़ गया था गाइस, इधर तक पहुंच गया था पूरा, और आज पूरी तरह से पानी कम हो चुकी है गाइस, हर तरफ का पानी सूख गया मतलब कम हो गया है और सारी तरह से। कल तो इधर पे पानी चढ़ा था, इधर लोग मछली पकड़ रहे थे, काफ़ी सारे लोगों ने पकड़ा और काफ़ी आने नहीं। और गाइस जो पत्थर भी नहीं दिख रहा था वो आज दिख रहा है धीरे धीरे, यहाँ भी जहाँ मैं खड़ा हूँ उस जगह भी पूरा डूब चुका था वो जगह। और गाइस कल के उस साइड के जो खेतों वगैरह थे वो भी डूब चुकी थी, खेतों पर पानी जा चुका था पूरी तरह से और उस साइड पूरा भर गया था, तो आज सारी तरफ कम हो गई है। तो गाइस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए गाइस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। इधर कल सारी नदियाँ मतलब इधर सारा खेत कल डूब चुका था, अभी मैं जिधर इधर का सारा कल इतनी ख़राब बाढ़ आई थी यहाँ पे, मतलब पानी भर गई थी पूरी तरह हर जगह, इधर का सारा जितना दिख रहा है उधर पूरे मार्क हुई है, ये सारा का सारा खेत कल पानी पर डूबा हुआ था। गाइस नदी में पानी भरी हुई है, नदी का पानी काफी गंदा है, बहुत ही ज्यादा पूरी तरह से गंदा। और गाइस अभी इधर मैं नदी के साइड पर खड़ा हूँ